एसडीएम की उपस्थिति में शासकीय महाविद्यालय में संपन्न हुई जन भागीदारी समिति की बैठक। खेल ग्राउंड का एस्टिमेट बनाकर भेजा जाएगा शासन को। 12 प्रस्ताव को मिली मंजूरी, मुलताई। नगर के एकमात्र शासकीय महाविद्यालय में मंगलवार को दोपहर 12 बजे से मुलताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर की अध्यक्षता में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसमें महाविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कलेक्टर रेट पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रखने, लाइब्रेरी एवं अन्य विभाग के लिए 12 अलमारी क्रय करने, साफ सफाई हेतु कर्मचारी की नियुक्ति करने, महाविद्यालय में बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर क्रय करने, महाविद्यालय में बीएससीसी कंप्यूटर एवं बीए होम साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने सहित पुराने महाविद्यालय भवन एवं हाल की पुताई के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के लिए पानी का टैंकर क्रय करने के लिए भी मंजूरी दी गई। बैठक में उपस्थित जन भागीदारी समिति के सदस्य अनिश नायर ने महाविद्यालय परिसर में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल का व्यवस्थित ग्राउंड बनाने एवं टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन हॉल बनाए जाने की बात रखी, जिसे एसडीएम मुलताई द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य को प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश जारी किए गए। बैठक के पश्चात एसडीएम एवं समिति के सदस्यों ने नव निर्मित महाविद्यालय भवन का अवलोकन किया। इस दौरान महाविद्यालय में पदस्थ खेल शिक्षक द्वारा एसडीएम मुलताई को खेल मैदान निर्माण हेतु रिक्त भूमि दिखाई गई। बैठक में विशेष रूप से महाविद्यालय की प्राचार्य वर्षा खुराना, डीआर कालभोर, बीआर बारस्कर, मंदाकिनी बारस्कर, विनीता नायर, देवेंद्र सोनी सहित पत्रकार कुलदीप पहाड़ एवं राजेश खड़से उपस्थित रहे। पल्लू अग्रवाल के साथ देखें खोजी खजाना से तनवीर सिंह सोलंकी की यह विस्तृत खबर।